सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे को वीडियो में। वीडियो वेयर हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो यहाँ पे जो हैवी लोडिंग मशीन्स रहती हैं, ये वीडियो उन सब चीज़ों से रिलेटेड रहने वाली है जो मशीनरी रहते हैं, बड़े बड़े हैवी वेट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करने में आपके काम को ज़्यादा आसान बना देंगे। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से मार्केट में है, आप लोगों को इनका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ। चलिए ज़्यादा बताने करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में और आप किन चीज़ों में डील करते हो, मतलब क्या कुछ आपकी प्रोसेस रहती है, एक बार थोड़ा डिटेल से बताइए मुझे। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली वी डील विद द लिथियम एंड बैटरीज ऑपरेटेड इक्विपमेंट। सो यू कैन सी दैट दिस इज द इंडियन वेयर हाउसिंग शो। सर थोड़ा थोड़ा अगर हिंदी में भी बातचीत होते रहे तो थोड़ा सा व्यूवर्स को मजा आएगा। हमारे यहाँ पे हम लिथियम एंड बेस्ड ऑपरेटेड जो इक्विपमेंट है उसी पे डील करते हैं। ओके, जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे कुछ पार्ट्स हम रखते हैं जो 500 की केजी से लेके 8 टन तक होता है, तो हम वो सेगमेंट पूरा कवर करते हैं। ओके, कोई आदमी है तो वो 2 टन उठा के तो ऊपर नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से हमारे पास जो फोर्कलिफ्ट आप देख सकते हो इसका हाइट आप कितना हाइट तक जाता है, 6.8 मीटर तक जाता है। 6.8 होगा लगभग 20 फीट आई थिंक, उससे भी ज्यादा जाएगा। और इसमें अभी और वजन कितना कैरी कर सकता है सर, ये वजन करेगा अभी ये 5 टन कहते हैं, 5 टन कैरी करेगा। अच्छा, ये मशीन का जो कैपेसिटी है 5 टन है। आई कैन शो यू दैट हियर, यू कैन सी दैट 50 इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, इट सिंपली मींस दैट इट इज कैरिंग दी, ये 5 टन का वेट ही उठाएगा। इसके हिसाब से आप दूसरा फोर्कलिफ्ट मैं दिखा सकता हूँ वहाँ पे। सर थोड़ा सा पहले हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। सो पोस्टिंग की अगर सर हम बात करें, सो कितने तक अप्रोक्स रहता है इस फीचर्स में, जो पहले इसके फीचर्स और बताइए सर मुझे। इस फीचर्स में सर अभी ये आप देख सकते हो कि ऑपरेटर यहाँ पे बैठ के राइट सर ये गाड़ी को मूव करेगा स्टीयरिंग के हिसाब से राइट। तो उसके लेफ्ट साइड में आपको अगर फॉरवर्ड करना है तो नॉब दिए है, फॉरवर्ड रिवर्स करना है तो रिवर्स करोगे आप। यहाँ पे वही बेसिक जो इंडिकेटर लाइट्स एलईडी लाइट्स उस हिसाब से वो की आपको वहाँ पे दिया है, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज है जो आपके व्यूअर्स के लिए देखने लायक है। क्या कुछ डिफरेंट है सर, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स इस में इन्वॉल्व हैं पहले से ही, बट आपका ब्रांड कैसे डिफरेंट है उनसे? हमारा ब्रांड मतलब हमारी टेक्नोलॉजी को कोई कम्पीट करने वाला अभी तक आया नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम मार्केट में दे रहे हैं वो लिथियम एंड ऑपरेटेड बेस्ड है। सर उसका पर्पज क्या रहता है? लिथियम पर्पज ये है कि उसके लिए ना बैटरी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, अगर आपके आपका ऑपरेशन 3 शिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है तो उसके लिए आपको बैटरी स्विच करने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ से बैटरी निकालने की जरूरत नहीं। और पुराने जो ट्रेडिशनल सेगमेंट में क्या आता है ना, जो बैटरी है वो चेंज करनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी इज टोटली पैक। अच्छा, ये बैटरी से चलने वाला है सारा? यस, इट इज अ बैटरी बेस्ड। ओके, ये सर कितने एमएएच की एमएएच रहता है? एम्पियर इसमें एम्पियर आवर रहता है, मतलब जो करंट और आवर के हिसाब से जो शिफ्टिंग होती है, ये अभी 540 है इसके, 540 एम्पियर आवर के। ओके, इसके साथ जो चार्जर हम प्रोवाइड करते हैं वो 200 एम्पियर का देते हैं, सिर्फ 2.5 घंटे में आपकी ये गाड़ी रेडी हो जाएगी, फुली चार्ज हो जाएगी सर। और कितने घंटे का बैकअप रहेगा? ये आपका जाएगा 10 से 12 घंटे तक जाएगा, 2.5 घंटे। वो डिपेंड करता है आपका ऑपरेशन कितना हेवी है, यूज पे भी डिपेंड करता है, कभी 8-10 घंटा भी जाएगा, कभी 7-8 घंटे जाएगा, कभी कुछ ऑपरेशन कम है तो 16 घंटे भी। सो देख लीजिए, बैटरी ऑपरेटेड आपकी ये मशीनरी रहने वाली है, 50 टन बताया ना राइट सर? 5 टन सर ने बताया, ये इसकी कैपेसिटी रहने वाली है, जो कि आप इजिली मूव कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को वन प्लस टू अनदर। जी सर, आप स्टैकिंग भी कर सकते हैं। सॉरी सर, आप स्टैकिंग करने के लिए, अगर स्टैकिंग क्या होता है सर, एक बार मुझे बताइए। जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं तो सब चीजें जमीन पे नहीं रख सकते जी, अगर जमीन पे रखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा जमीन चाहिए रहती है, लेकिन वेयर हाउस में हम रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सिस्टम यू कैन सी दैट दिस आर द रैकिंग सिस्टम। ओके, बीच में आप उठा के यहाँ पे रख दिया, फिर दूसरे लेवल पे रख दिया, तीसरे लेवल पे, ऐसे नंबर ऑफ लेवल्स रहते हैं राइट। तो 5 टन के हिसाब से आपको जितना मीटर तक रखना है उसका आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लीवर जो दिख रहे हैं, ये लीवर है 1 2 3, तो पहला लीवर आप ऑपरेट करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, अगर दूसरा लीवर आप करते हो तो ये जो पूरा मास का, इसको मास कहते हैं, ये मास के सामने जो 2 फोर्क दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, उसके ऊपर वो पैलेट है, पैलेट मतलब वो मटेरियल जी। हाँ, वो मटेरियल ऊपर नीचे करने के लिए पहला लीवर यूज करेंगे। ठीक है, दूसरे लीवर के हिसाब से वो मास है ना आगे पीछे होगा। ओके, और तीसरा लीवर है, तीसरे लीवर के हिसाब से अगर प्रोडक्ट को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करके अंदर डालना है
तो okay. आप शिपिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ओके ठीक है। सो सर इसका कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं आप लोग? ऑपरेटर ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम एक मशीन बेचते हैं तो हमारे तरफ से हमारी टीम जाती है और टीम को गाड़ी का पूरा ब्यौरा दे देते हैं कि इसमें मोटर, जैसे आप देख सकते हो ये ट्रैक्शन मोटर है, मतलब गाड़ी को आगे पीछे चलने के लिए मोटर का यूज होता है, और लिफ्टिंग के लिए अंदर एक मोटर है जो अभी ओपन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम तभी वो कवर करेंगे। वो हाइड्रोलिक मोटर कहते हैं, हाइड्रोलिक मोटर का एक सेपरेट कैपेसिटी रहता है, और ट्रैक्शन मोटर जो ड्राइव मोटर बोलते हैं उसका एक सेपरेट है। ये जो ट्यूब्स वगैरह आप देख रहे हो इसमें से ऑयल फ्लो होके इसको लिफ्टिंग पर्पस के लिए, प्रेशर वगैरह के लिए काम आएगा। ऑयल टैंक वगैरह हम देख सकते हैं यहाँ पे जी। अच्छा ये ऑयल से भी ऑपरेट होते हैं सर? ये जो जितना भी लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है वो ऑयल के ऊपर से ही होता है। ये टैंक है, ये टैंक ऑयल है, यू कैन सी हियर। अच्छा ये तो उसमें प्रेशर के लिए होता है वाला? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो जो जितना भी ये ऑपरेशन होता है इसमें ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, डीजल ऑपरेटेड नहीं है। ओके। डीजल में आपको इंजन वगैरह बाकी पावर ट्रेन रहता है, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट रहेगा। जैसे मोटर आपको दे दिया है मैंने, या हाइड्रोलिक मोटर दे दिया है, और इसको असेंबल कर दिया है हमने ट्यूब वाइज। ये जो सिलेंडर है वो पूरा लिफ्ट करने के लिए, इसमें ही प्रेशर जनरेट होगा और वो लिफ्टिंग और लोअरिंग अप एंड डाउन वगैरह के लिए प्रोसेस में सारा काम आने वाला है। सब कुछ चीजें जो ऑपरेट करेगा इस गाड़ी का जो ब्रेन है जिसको कंट्रोलर कहा जाता है, ये आप पीछे देख सकते हैं। इतना इजी एक्सेसिबल है कि बाकी गाड़ियों में आप जाओगे तो कंट्रोलर वहाँ रहेगा, वायर वहाँ रहेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हैं। दो ट्रैक्शन मोटर दे दिए, दो पूरा मोटर असेंबल किया गया, ये नहीं कि मतलब कहीं भी कुछ भी लगा के। एग्जैक्टली। और ये वेंटिलेशन आप देख सकते हो, हमने फैंस प्रोवाइड कर दिए, तो जब भी ऑपरेशन होता रहेगा कुछ हीट जनरेट होती है तो इजीली इट कैन वेंटिलेट। ओके यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी को हमने एक BMS के साथ जोड़ा दिया है। वो BMS क्या है, एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। वो क्या करेगी, ये जितने भी सेल्स है बैटरी के अंदर वो उसको मॉनिटर करेगी, उसका सेल वोल्टेज कितना है, उसके बाकी पैरामीटर से कुछ फेलर वगैरह आ जाता है तो कैनवस मतलब क्या हो जाता है, कंट्रोल एरिया नेटवर्क, मतलब वो पूरे गाड़ी का जितने भी कंट्रोलर उसके इक्विपमेंट के साथ अटैच है, तो कुछ भी माल फंक्शन हो जाता है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा आपको डैशबोर्ड पे। जी सर, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा देख पा रहा हूँ आपने होल्डिंग लगा रखा है 5 ईयर वारंटी। यस। वारंटी किस चीज की रहती है? बैटरी रिलेटेड वारंटी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बैटरीज आती है लेड एसिड बैटरी या डीजल पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हो तो वहाँ पे उतना वारंटी नहीं आता। ओवरहॉलिंग वगैरह इंजिन की इन्वॉल्व रहती है वहाँ पे। दूसरी चीज है कि हम लिथियम आयन बैटरीज दे रहे हैं तो इसका जो साइकिल है, एक साइकिल एक चीज रहती है जो ट्रेडिशनल में लेड एसिड में 1200 साइकिल देते हैं, हम यहाँ पे 4000 साइकिल देते हैं और 5 साल वारंटी। लेड एसिड में 2 साल वारंटी आते हैं और एक्सटेंडेड वारंटी नहीं। सो सर हम इसके टायर्स की बात करें, किस टाइप से क्या, मतलब मेरे को तो नहीं नॉलेज ये है क्या मतलब प्रॉपर। ये टायर मतलब जैसे ये रोबो स्ट्रक्चर है, इसमें अभी वी कैन से दैट दिस इज द कस्टमाइज वन, वी कैन प्रोवाइड नॉन मार्किंग टायर, मतलब जो फ्लोर आपके जिस हिसाब से उस हिसाब से हम टायर प्रोवाइड करते हैं। ओके ठीक है, फ्लोर के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करवा देंगे। यस सर। सर ये आगे जो मशीनरी लगी है सेम है या फिर डिफरेंट रहने वाला? कैपेसिटी के हिसाब से, ये 5 टन का हो गया, ये 3 टन का हो गया, वो 2 टन का हो गया। 2 टन का साइड में एक बैटरी ऑपरेटर, वो देखना मैं चाहूंगा क्योंकि ये बाकी तो सेम ही रहने वाला, बस वेट का डिफरेंट है, राइट सर? कोई 5-3-2 किसी कस्टमर का वेट कम ज्यादा रहता है तो उस हिसाब से वो। तो सर ये क्या रहने वाला? ये चार्जर है। अच्छा अच्छा, बहुत ही तगड़ी चीज है, आप देख सकोगे कि बाकी यहाँ पे जैसे चार्जर अगर आपको कनेक्ट करना है तो दिस इज द पोर्ट। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें कार भी रहते हैं तो कार को भी ऐसा ही इनलेट आने वाला है, राइट? आई कैन जस्ट शो यू, चार्जर रहने वाला है इसका। yes, और 2.5 घंटे में आपका पूरा प्रॉपर चार्ज हो जाएगा। यस yes, yes, ये देखिए आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए चार्जर इस टाइप से आपका कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप से कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी। और रिमूव करने के लिए आप बटन को पुश कीजिए और लग भी काफ़ी सुंदर रहा है, देखिए कितना काफ़ी सही लग रहा है। ये 3 टन वाली रहने वाली है जो कि आप 3 टन तक अपना इजी जो आपका गुड्स होगा उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं वन प्लस टू ने। ये रहेगा 2 टन, आई थिंक 2 टन वाला रहने वाला है, ये 2 टन में रहेगा। सो इस टाइप से ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाए, एक डिफरेंट प्रोडक्ट इनका ये रहने वाला है, ये देखिए पूरा बैटरी ऑपरेटेड ये रहेगा। सो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सर एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताइए मुझे, ये क्या कुछ रहने वाला है? इसको हम BOPT के नाम से जाना जाता है। BOPT का मतलब होता है बैटरी ऑपरेटेड पैलेट ट्रक। तो आप देख सकते हैं इसमें छोटी बैटरी आ जाएगी। ओके। ये भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। ठीक है। अभी उसका सिर्फ जबकि आपने फोर्क्लिफ्ट में देखा था कि उसका लिफ्टिंग 6 मीटर तक 6.5 मीटर तक जाता है, इसका सिर्फ 120 mm जाएगा।
इसका सिंपली काम है, मैं चला की देख सकता हूँ आपको जी। ये देखिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्रैंकिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे BYD का लोगो आ जाएगा और बैटरी कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप बैटरी मेजरिंग इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। सो ये देखिए थोड़ा सा एक बार ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। सो ये आगे इस टाइप से चल सकती है। और सर ये वजन कितने हाइट तक कैरी करेगी? ये 2 टन वजन उठाएगी। आप ना इसका नेम प्लेट यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके यहाँ पे अच्छा ये 2 टन तक उठाएगा। 2 टन का वजन आपका 120 mm तक उठाएगा, मतलब ग्राउंड से एक बार लिफ्ट करके वो जहाँ मूव करना है आप इजीली उसको मूव करके ले जा, ठीक है। वो कितने आवर्स में ये चार्ज हो जाता है? ये 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका बैटरी 130 mAh है। ये गाड़ी 8 से 10 घंटा चलेगा। ये भी ऑपरेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। बाकी 8 घंटा नॉर्मली लेके चल सकते चाहे कितना ही हार्ड वर्क हो जाए। इसको भी हम नॉन शिफ्टिंग मतलब 3 शिफ्ट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते, क्योंकि देखो हमने कुछ प्रोविजन ही नहीं दिया है उसको, बैटरी को निकालो डालो, एक बार ये कनेक्ट कर दिया तो इसमें अपॉर्चुनिटी चार्जिंग आती है। आप 10 मिनट के लिए भी चार्ज कर सकते हो, आप 1 घंटे के लिए भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मतलब बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाला किसी भी। 5 साल वारंटी है, 10,000 घंटे तक इसका भी वारंटी चलता है, 10,000 घंटे तक इसका रहने वाला है। सो इस टाइप से इनके काफी प्रोडक्ट है। बाकी आप और किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं सर? वो कैटलॉग कुछ हमारे पास गाड़ी का जितना भी ब्यौरा है वो एक जगह हमने डिस्प्ले किया तो मैं वहाँ पे शो कर, ठीक है। सो देख लीजिए। अच्छा सर ये हमारे की कस्टमर्स है जहाँ पे हमने अभी तक प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हो कि कोको कोला मतलब एक फूड इंडस्ट्री बेवरेजेस में भी आ जाते हैं हम। CMR आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन है जी, कजारिया टाइल्स वगैरह में जो डेंट्स हैं वहाँ पे डस्ट वगैरह भरपूर है, लेकिन हमारी जो कोटलिट्स आती है जिसमें कंट्रोलर BMW वगैरह के लिए वो सब IP60 तक प्रोटेक्टेड है। काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया गया है। सो आप लोगों को पता चलेगा कि इनकी ब्रांड कितना बड़ा रहने वाला है इतने बड़े ब्रांड्स के साथ जो काम करते हैं। और रिस्ट्रक्चर को देखा ये एक है टोट्रक, तो ट्रक मतलब पीछे यस एग्जैक्टली जितना भी 25 टन तक आप टो करके लेके जा सकते, 3 टन 5 टन के हिसाब से लेके 25 टन तक आता है। तो जितने भी आप एयरपोर्ट पे देखते हो एयरपोर्ट पे जितना भी ऑपरेशन रहता है वहाँ पे जो खींचने के लिए जो मूवमेंट के लिए लगते हैं इक्विपमेंट उसको टो ट्रक करके, तो हमारा रेंज टो ट्रक प्रोवाइड करते हैं हम, कोटलिप प्रोवाइड करते हैं और हम BOPT रिस्टा को वो भी सेगमेंट पूरा हम कवर करते हैं, ठीक है। हमारा रेंज है 1.6 टन to 8 टन तक हम प्रोवाइड करते हैं हमारे। ओके थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छे से आप एंटरटेन किया, काफी अच्छे से अपने इन्फॉर्मेशन दी। सर हमारा लोगो ही है BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, बिकॉज़ वी वांट टू बिल्ड योर ड्रीम्स विद द हेल्प ऑफ लिथियम आयन टेक्नोलॉजी। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस देखिए अगर आप लोगों को भी अगर अपने वेयर हाउस के लिए इस टाइप से कैरी करने के लिए ये कार्स वगैरह चाहिए तो एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। काफी बड़ा ब्रांड रहने वाला है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए इन्होंने काम किया गया है। सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हम मिलेंगे वो नई वीडियो में। सबसे मेन चीज़ जो बैटरी के बारे में बताना था कि हमारी जो BYD की बैटरी आती है वो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे आती है। ओके यस, और उसका वारंटी हम 5 साल प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरा जो बेनिफिट हम बता सकते हैं 0 pollution 0 emission, मतलब जो हमारा कंपनी का मिशन है कि कूल द अर्थ बाय 1 degree Celsius उसके लिए हम जा रहे हैं। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है तो 0 pollution 0 emission, तो वी आर दी फ्रेंड ऑफ दी अर्थ। जितना भी मैंने अभी तक कवर किया था वो आप देख सकते थे भाई BYD पर, जो मतलब इसका सेफ्टी फीचर्स, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, 0 emission 0 pollution, अपॉर्चुनिटी चार्जिंग मतलब आप 10 मिनट के लिए भी चार्ज कर सकते हो, पूरा 1-2 घंटे के लिए भी चार्ज कर सकते हो। इसका ऑपरेशन आप -40 to 60 degree Celsius तक भी कर सकते हो और लॉन्ग लाइफ टाइम है, 4000 चार्जिंग साइकिल तक इसका वर्क चलता है। ओके थैंक यू सर।